तो यार आ चुके वीडियो के साथ वापस सेंटर। जब भी मैं स्टार्ट हो रहा था तो लॉबी के अंदर एक राजा नाम का कोई बंदा था जिसको कि मैंने बहुत ही उल्टा सीधा बोल दिया, भड़का दिया उसको कि भाई तेरे में हिम्मत है तो भाई तू तो एकदम नोवो आकर दिखा अपनी टीम के साथ। एंड आई थिंक वो आया होगा यार, क्योंकि वो बंदा जो है बहुत ही गुस्सा, मैंने उसको करवा दिया था, दिलवा दिया था। एंड फिलहाल देखेंगे कि भाई क्या होता आगे जाके। एंड आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई राजा नाम का बंदा जो है वो मेरे को मारता है या कब मरता है किल फीड में, मतलब एकदम ध्यान से देखना किल फीड को, कहीं ना कहीं तो वो होगा ये वाले मैच में, क्योंकि मैंने उसको जो है लॉबी में देखा था और वो कह भी रहा था कि भाई मैं यहाँ पे जो है नोवा आऊँगा, तो देखो भाई कब भरते उसको। एंड फाइनली भाई इस बंदे का नाम नोट करो, इसको मैं फिनिश नहीं करता, इसको मैं रहने देता हूँ। मैंने सोचा इसके टीममेट को मारूंगा या तो फिर इससे बात करूंगा, लेकिन इसका टीममेट ये शायद इसका टीममेट नहीं था, क्योंकि ये बंदा भी नॉक हुआ था और ये डुओ लगा रखा था, दो बंदे नॉक नहीं हो सकते, तो इसका टीममेट कहीं और है, इसको मैं मारता नहीं हूँ। और फिलहाल देखो इन दोनों को कैसे भरते हैं। सामने वाले को मैंने नॉक कर दिया और साथ ही साथ उसको मैंने जो है फिनिश भी कर दिया है। अब वहाँ पे जो है एक और बंदा था और मैंने सोचा यार जिस बंदे के साथ वो फाइट ले रहा है पहले उसको भी मारते हैं, बट भाई जो राजा नाम का बंदा था उसको तो मैंने मतलब गलत ही मारा। बट फिलहाल यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जिस बंदे को मैंने नॉक किया था आई थिंक वो फिनिश हो गया है, लेकिन जो दूसरा बंदा था आई थिंक जिस बंदे को मैंने मारा है उसने सामने वाले बंदे को मार दिया था। और ये देखो भाई उस बंदे की क्रेट भी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो इसकी फ्लेयर ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखो मेरे को यहाँ पे जो है एकदम फ्लेयर मिल चुकी है और मैं यहाँ पे अभी एकदम काफ़ी सेफ हूँ। और नोवा के अंदर जो है आपको थोड़ा बहुत तो जो है क्लू मिल जाते हैं कि भाई फायरिंग जो है किस साइड हो रही है, बंदे किस साइड है, और थोड़ा बहुत तो आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो किल फीड में एक मतलब बाइजन चल रही है मेरे सामने, तो बाइजन वाले बंदे का किल फीड भी आ रहा है, उसने एक टीम को 1v2 कर दिया, तो मतलब डैमेज होगा वो। सिंपल सा यहाँ पे मैथ कैलकुलेट करना आपको। और बिल्कुल मेरे सामने फाइट हो रही थी बट मेरे को वो बंदे दिखते नहीं है, और थोड़ा बहुत मैं अंदाजा भी लगा लेता हूँ कि भाई उस बंदे के पास बाइजन है और मेरे पास यहाँ पे स्कारल है, तो एंड टू एंड फाइट भी होती है और वो 50% भी अपना देता है तो भाई मैं उसको मारूंगा, क्योंकि स्कारल मेरे पास है, मेरी गन उसे थोड़ा ज़्यादा बेटर है, तभी मेरे को बंदा दिखता है। अब इसको मैंने नॉक कर दिया, लेकिन ये वो वाला बंदा नहीं था, मतलब इसका टीममेट है वो कोई लेवरेज नाम का बंदा, तो इसको मैं मारने की ट्राई करता हूँ, इसके टीममेट को भी मारता हूँ। और एक और चीज़ यार, अगर तो आपको ये वीडियो सही लगती है तो भाई सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा भाई जो है लाइव स्ट्रीम करने वाला है। तो जो भी बंदे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जस्ट एक बार नीचे देखो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई करना, क्योंकि हम जो है अगले 10 या 15 दिन के अंदर अंदर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं और अपना गोल है भाई 4 मिलियन हिट करना, जो कि मुझे पता नहीं होगा बट फिर भी यार सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, ट्राई करो थोड़ा बहुत। अब देखो उस बंदे को जिसको मैंने सबसे पहले मारा था, मतलब क्या नाम था उस बंदे का, आई थिंक राजा नाम था, तो उसको मैंने फिनिश नहीं किया और ना ही उसका किल मेरे को अभी तक मिला है। देखो अभी तक मेरे को उसका किल नहीं मिला है, तो मैं उसको वापस मारने के लिए जाता हूँ और तभी मेरे को उसके फुस्टा पाते यहाँ से। अब मैंने सोचा यार नेट फेंकता हूँ, बट नेट जो है लोटस पे था, मतलब ये गंदी आदत जो है ना बर्फ़ को लोटस पे करके मतलब वहाँ पे जमाने की, तो उसके कारण जो है ये लोटस पे लगा हुआ था और तभी मेरे ऊपर जो है टावर से फायरिंग होती, लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया और ये वाले बंदे को सबसे पहले तो मैंने नॉक कर दिया, साथ ही साथ फिनिश भी कर देता हूँ। और वो जो टावर वाला बंदा था वो उसका टीममेट ही हो सकता है आई थिंक, क्योंकि यार देखो वो इसको कवर दे रहा था तो इसका टीममेट ही हुआ। तो मैंने यहाँ पे जो सबसे पहले इसकी AKM ले ली और अब जाता हूँ मैं सामने वाले बंदे को मारने के लिए। अब क्योंकि देखो वो वाला बंदा टावर पे था और तभी दिखता मेरे को वो, क्योंकि मैंने उसके टीममेट को फिनिश कर दिया, तो भाई उसकी पट्टी और वो मेरे को मारने के लिए आया यहाँ पे, बट मैंने उसको जो है काफ़ी डैमेज तो नहीं दिया बट उसको नीचे भगा दिया। अब देखो वो वाला बंदा जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन देखो सामने वाला बंदा मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा है, लेकिन जैसे मैंने उसको जो है फायर दिया तो भाई वो वाला बंदा जो है पिन ड्रॉप साइलेंस कर लेता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ है। अब देखो जब कोई मिलता नहीं है तो हम क्या करते हैं, जस्ट आप देखो मैं यहाँ पे जो है इंडिकेट ये कर रहा हूँ कि भाई अगर तू मेरे साथ फाइट करना चाहता है या इंटरेस्टेड है तो तू भी फायर कर, जिससे मेरे को पता लगेगा कि तू कहाँ पे है, वरना मैं जा रहा हूँ। और ऐसे ही मैंने किया, मैंने फायर वायर किया, लेकिन उस बंदे ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद एक रिस्पॉन्स दिया उसने, मैं फिर से रिस्पॉन्स देता हूँ और मेरे को नहीं लग रहा कि इसके बाद वो अब थोड़ा और ज़्यादा क्लू मेरे को देगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा क्लू देगा तो मैं घुस के उसको मार ही दूंगा और उसके लिए जो छुपने का वो जो है उसने जो भी कर रखा है वो बेनिफिशियल नहीं होगा उसके लिए, तो यहाँ पे जो मेरे को ढूंढना पड़ेगा। और तब मेरे को जो है यहाँ कहीं से उसके फुटस्टेप आते हैं, मतलब फुटस्टेप तो नहीं कह सकते लेकिन जो खिसकने की आवाज़ होती है कंटेनर के अंदर से वो हल्की सी आ रही थी यहाँ पे से। और फाइनली मेरे को जब पता चल गया वो कौन से कंटेनर के अंदर है, तो यहाँ से अगर वो वाला बंदा सतर्क नहीं है, उसको नहीं पता कि मैं यहाँ पे नेट फेंकने वाला हूँ, तो मेरे को यहाँ पे जो है सीधा साधा किल मिल जाता है। और ये वही बंदा भाई, ये जो है रिवाइव हो चुका था और क्या ही कहूँ मैं भाई, दोबारा मार दिया मैंने इस बंदे को। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे नोवो में ज़्यादा बंदे बचे भी नहीं आई थिंक, क्योंकि मेनली जो है लोग कंटेनर की साइड उतरते हैं, बाहर तो उतरते हैं नहीं। तो मैंने ऐसे बाइक उठाई और भाई देखो इतनी दूर ट्रैवल करके आता हूँ मैं किस जगह पे ड्रॉप लूटने के लिए। और अगर तुम इन बंदों को ख़त्म करते तो भाई तो आपको पक्का सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा,
बट बहरहाल फिलहाल यहाँ पे जो है, क्योंकि आप सोचिए यार, नोवो से एक बंदा बाइक लेके पहले तो उसने ब्रिज क्रॉस किया, फिर यहाँ पे ये वाले ब्रिज पे आए इतनी दूर, तब तक ये लोग जो है अपना फ्लेयर चला के मतलब निकल गए थे यहाँ पे। अब पहले तो मैंने सोचा कि यहीं कहीं छुपे होंगे, बट यहाँ पे जब कोई भी फुटस्टेप नहीं आया तो मैं थोड़ी देर और यहाँ पे वेट करता हूँ, और फिर मैंने सोचा कि बारी है यहाँ से निकलने की, ड्रॉप भी लुट चुका था, और तभी मेरे को ये गाड़ी मिलती है। थोड़ा सा दूर जाने के बाद जैसे मेरे को गाड़ी देखी तो मैं गाड़ी स्लो कर लेता हूँ, क्योंकि यार देखो बाइक है और बाइक रुकने में थोड़ा टाइम लेती, इसलिए मैं थोड़ा उसकी आवाज़ को फॉलो कर रहा था कि वो आगे रुका तो नहीं है, और तभी वो वाला बंदा जो रुक जाता है, मैं अपनी बाइक से जो है छलांग लगा देता हूँ। और फिलहाल यहाँ पे देखो कैसे बढ़ते हैं वाले बंदे को, लेकिन इतना कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो वाला बंदा जो है गाड़ी में था और उसने बिल्कुल एकदम शार्प टर्न ले लिया वहाँ से। बट मैं भी ज़्यादा मतलब एकदम बाइक मैंने उठाई और उस बंदे का पीछा करता हूँ बहुत देर तक। अब वो वाला बंदा क्या करता है, वहाँ से निकल लेता है और इस तरफ कहीं पे आया था, लेकिन यहाँ पे आके वो बंदा गायब हो जाता है, और उसकी बजाय मेरे को यहाँ पे एक और बंदा दिखता है। और ये वाला बंदा जो गतकम किसी और के साथ फाइट कर रहा था आई थिंक, क्योंकि वो देखो वो जो सामने पत्थर है ना, वहाँ पर से ये टीपी भी ले रहा था, और इसी तरफ जो उस बंदे की बगी भी गई थी, क्योंकि उसने जो है रास्ते में अपनी गाड़ी चेंज कर ली थी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और थोड़ा इधर उधर देखने के बाद फाइनली जब मैं इस जगह से गुजरता हूँ तो मेरे को ये देखो साइड में एक बगी ठुकी हुई दिखती है, और मैं समझ गया था भाई ये वाला बंदा पक्का यहीं कहीं होगा। लेकिन भाई जो अभी भी फर्स्ट स्टेप है वो एक भी नहीं आ रहा था, और अगर आप गौर करोगे तो भाई घर के जो दरवाजे हैं वो भी एकदम चारों तरफ से बंद हैं, तो हो सकता है ये बंदा शैक के अंदर हो, और रिस्क भी हो सकता था। बट यहाँ पे ये वाला बंदा है नहीं, तो मैं समझ गया हूँ या तो ये जहाँ पे बगी ठुकी हुई है उसी घर के अंदर है। और यहाँ पे देखो यार कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा वेट करना भी आपको जो है मरवा देता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बंदा अगर आप देखो तो यहाँ से ये काफ़ी बढ़िया से टिप्पू लेके मार सकता था, बट मैंने सोचा कि भाई मैं थोड़ा और वेट करता हूँ, बढ़िया से भी एंगल पे आने देता हूँ, बट बहुत ज़्यादा वेट भी इसको मरवा देता है यहाँ पे। और फिलहाल मैं वहाँ से जो है जल्दी से बाइक लेके निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी करके चिकन डिनर करना था। और फिर आधा में ये वाली जगह पे जहाँ पे कहीं ना कहीं तो ड्रॉप गिर रहा था, और सामने से एक बगी मेरे को आते हुए दिखती है, और फिलहाल देखो कैसे भरते हैं ये वाले बगी वाले को। अगर मैं उस बगी पे होता तो भाई मेरे टायर पक्का फूट जाते, लेकिन जैसे उतरा तो भाई मैंने यही सबसे पहले तो वो करा कि भाई मैं उसको बगी के टायर फोड़ दूँ, बट वो भाई निकल ही जाता आगे, बट आगे जाके रुक जाता क्योंकि टायर तो मैंने फोड़ दिया था। और जैसे कि मैंने कहा भाई बाइक से जो है बहुत खतरनाक वाला डैमेज होता है। फिलहाल मैं उस बंदे को मारने के लिए नेट खींचता हूँ, मेरे को एक चीज़ पता थी उसने भी नेट खींच दिया होगा, इसलिए मेरे को पहले ही फेंकना होगा और निकलना पड़ेगा बाहर। और जो आगे देखा, अब जस्ट ये चीज़ देखो आप, मतलब ये वाला बंदा जब मैं इसको मार रहा था तो इसने अपनी गन पीछे कर दी, और जैसे इसने देखा कि भाई इसने भी अपनी मतलब मैंने अपनी फायरिंग रोक दी, तो वो वाला बंदा भाई बहुत धोखेबाज टाइप से कर रहा था, उसने गन निकाली और फायरिंग स्टार्ट कर दी। बट मैं बिल्कुल रेडी था, क्रॉस एयर बिल्कुल उसके सर के ऊपर था, और जैसे उसने फायरिंग का एक बटन दबाया मैंने उसको जो है तुरंत ही मार दिया। और इसलिए भाई कभी कभी जो है ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और फिलहाल जो है यहाँ पे अब हम और भी नज़दीक आ चुके चिकन डिनर के, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ क्योंकि जोन आ रहा था, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे जो है जो भी मेरे को चाहिए रही था वो मैं सब ले लेता हूँ, और देन आते हैं ये वाली जगह पे। और यहाँ पे जस्ट आप ये वाला सीन देखो, भाई कितनी लंबी ग्रोसा चला रहा है ये वाला बंदा। फिलहाल देखो कैसे भरते इसके बंदे को, ये लोग जो किसी और के साथ फाइट कर रहे थे आई थिंक, और ये जो ग्रोसा वाला है भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा फालतू मरा है। फिलहाल ये पता नहीं फायर किस पे कर रहे थे, मुझे नहीं पता, बट मैंने इनको मार दिया है, और मैं यहाँ पे जो बंदे की ग्रोसा लिए बिना तो जाने नहीं वाला। और तब मेरे को याद आता है भाई फ्लेयर तो मेरे पास भी है, तो मैं यहाँ पे जो है इतना क्यों इनके ग्रोसा के लिए मैंने यहाँ पर रिस्क लिया। बट जो भी है भाई इन दोनों को मारा मैंने, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे कहीं ना कहीं तो एक ड्रॉप गिरा था जिसको मैं लेने आया था, बट क्योंकि यहाँ पे जो है ये ग्रोसा चल रही थी और बहुत ही ज़्यादा लंबी ग्रोसा चल रही थी, वैसे किसी को रीज़न पता तो बताना मेरे को। लेकिन तभी मैं जो है यहाँ पे आता हूँ और ड्रॉप को देखता हूँ, भाई ड्रॉप कहाँ गिरा है। अब ड्रॉप मेरी नज़र में नहीं आया, जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब मेरे को दिखा वो ड्रॉप, लेकिन मेरे को ड्रॉप दिखता नहीं, ड्रॉप कहाँ गिरा है। मैं देख रहा था ड्रॉप और यहाँ पे एक बंदा भी था, मैं उस बंदे को भी देख रहा था। अब ड्रॉप मेरे को यहाँ पे दिख चुका था, लेकिन वो बंदा जो है कहीं ना कहीं सामने की तरफ आया तो था भागते हुए, लेकिन लेट जाता कहीं ना कहीं। अब मैं उसको ही देखता हूँ, तभी भाई बाल बाल बच गया मैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा बहुत डैमेज मेरे को भी हो गया था, बट एट देन मार दिया ये वाले बंदे को। और इसके पास भी जो अच्छी खासी गन्स थी यार यहाँ पे। फिलहाल ये क्योंकि अकेला था और नॉक हो गया, तो भाई इसका टीममेट भी आसपास होगा, टैट्स मैं यहाँ पे रुकता नहीं हूँ, सीधा मैंने यहाँ पे जो थोड़ा बहुत हील लगाना था वो लगाया, और तभी मेरे को जो पीछे ड्रॉप की फ्लेयर भी दिख जाती है। बट क्योंकि मेरे पास खुद के पास फ्लेयर थी तो मैं वो ड्रॉप लूटता नहीं हूँ यार, वेस्ट ही होता है। तो मैं अपनी बाइक लेके आ जाता हूँ ये जगह पे, और जस्ट ये चीज़ देखो यार आप,
मतलब आजकल बंदे जो है कहीं भी पड़े हुए दिख जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे बंदे इसलिए थे क्योंकि देखो उस साइड से जो है बंदे भाग के इसी जगह पे आएंगे और यहाँ पे उन्होंने अभी क्रॉस नहीं किया था क्योंकि नीचे वाली साइड जाना यार बेवकूफ़ी है, ज़्यादा लोग जो है ऊंचाई पे रहना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है हमको और भी बंदे मिलेंगे। और मेरी किस्मत देखो भाई, मेरा फ्यूल देखो जो कि मैंने बिल्कुल भी गौर नहीं किया और ये बंदों के मुँह पर जाके ख़त्म होता है और तभी मैं बगी और गाड़ी देख लेता हूँ। पहले मेरे को पता नहीं चला लेकिन यार बाद में मैंने जब हल्का सा नोट किया तो भाई वो बंदा जस्ट जैसे खड़ा हुआ तो मेरे को पता लग गया कि भाई यहीं पे बंदे हैं और मैं तो बिल्कुल जो आगे गाड़ी खड़ी थी उस पे देख रहा था। फिर यहाँ पे जो है एक चीज़ ने मेरी जान बचा ली कि मेरा यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया, अदरवाइज भी ये लोग मेरे को मार देते और अब जो है हम चिकन डिनर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो मैंने एक चीज़ नोट करी कि भाई अब जो है मैं मतलब इसी वाली जगह ऊँची ऊँची जगह पर रहूँगा, नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि यहीं से जो है मेनली बंदे हमको मिल रहे हैं और नीचे जाने का फ़ायदा नहीं क्योंकि नीचे पानी है और वहाँ पे आई थिंक बंदे नहीं होंगे। हम सोचे यार पहले जाके इस तरफ पूरा एकदम चक्कर काट के आते हैं और फिर नीचे जाएंगे। अब जैसे मैं ये वाली जगह पे आया तो देखो जस्ट आप खुद देखो यहाँ पे मेरी बग्गी स्लिप खा जाती है और वो वाला बंदा मेरे को दिखा तो नहीं लेकिन समझ गया मैं कि वो वाला बंदा जो कहाँ पे हो सकता है। फिलहाल देखो यार मार पाते इस बंदे को कि नहीं, वहाँ पे जो है चीज़ सब कुछ बराबर की थी, उस बंदे के पास भी ग्रोजा थी, मेरे पास भी ग्रोजा। वो बंदा इस जगह पे लेट हो गया कि जहाँ पे उसने अपना नेट का पिन खींचा और मेरे ऊपर फेंकने की ट्राई करी, बट मैंने यहाँ पे जो है मैंने नेट ना खींचते हुए क्योंकि मैं तो यहाँ पे ओपन में था तो मैं नेट खींचता तो वो वाला बंदा तो मेरे को काफ़ी इजीली मार देता। सो मैंने यहाँ पे रश किया जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा जो है इनसिक्योरिटी महसूस हुई और वो थोड़ा सा वहाँ पे जो है पैनिक कर गया तो काफ़ी इजीली मारा जाता है ये वाला बंदा और इसी के साथ जो है तुम्हारे भाई का काफ़ी इजीली चिकन डिनर हो जाता है। सो दैट्स इट, ये थी कंप्लीट। होप आपको बढ़िया लगा होगा, ये मेरा रोज का डायलॉग है और इसके साथ सब्सक्राइब भी करना, ये भी मेरा रोज का डायलॉग है तो आपका रोज का काम भी है। तो ट्राई करो यार सब्सक्राइब करने का। आपको एक चीज़ नोट करनी कि देखना कि भाई अभी जो है करंट टाइम पे अपने भाई के कितने सब्सक्राइबर हो रखे हैं एंड जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो उस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाओ, कुछ भी करके उसको ब्लैक करो और देन देखना कि भाई जब आप इस वीडियो को ख़त्म करते हो तब कितने सब्सक्राइबर होते हैं, तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में भी और साथ ही साथ जो है आप लोग भी सब्सक्राइब करना। बाकी लाइव स्ट्रीम के लिए तो मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर ही रहा हूँ, जल्दी लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, ओनली पबजी नहीं खेलेंगे बल और भी बहुत सारी गेम्स होती हैं उनको भी खेलेंगे। और जब तक वैसे भी पबजी मोबाइल इंडिया नहीं आता है तो तब तक जो है आई थिंक कि पबजी को अब कंटिन्यू करना बंद कर देना चाहिए, बट आप क्या सोचते हो उस बारे में मेरे को बताओ। बाकी मिलता है इसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।